पहले घर के सामने से खेत में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया और फिर जब राज खुलने लगा तो न सिर्फ लड़का बल्कि उनके परिजनों ने भी शादी करवा देने का वादा किया था, पर अब वो लोग अपने वादे से मुकर रहे हैं। दरअसल सीमापुर थाना क्षेत्र के सिमरतल्ला गांव का यह मामला लव सेक्स और धोखा से जुड़ा हुआ है। प्रीता की माने तो उनके साथ धोखा हुआ है और इसलिए अब इंसाफ के लिए आरोपी के फोटो के साथ दर दर भटक रही हैं। जबरदस्ती हमें 4 बजे उठ गए तो झाड़ू मार रहे थे, परवीन आया जबरदस्ती हाथ पकड़ के मुंह बंद करके मकई का खेत लेके चल गया। वहाँ पे मेरा साथ बलात्कार कर लिया। वो बोला कि चलो शादी करेंगे तब हमको नहीं मकई खेत में कौन सी खिला कर रख दिया तब हमको मधुबन चौक पे ले जाके बोला कि चलो शादी करेंगे, वहीं पे ले जाके छोड़ दिया। भाई इससे पकड़ा दिया हमको, वहाँ से लाया तो मतलब भाई धर्मवीर ने घर लाया हमको घर में बंद करके उसका पूरा घर का आदमी हमको धमका रहा कि ऐसा ऐसा बयान देना नहीं तो तुमको जान मार देंगे। रेखा देवी और रंजना कुमारी उसका बाप बोल रहा था कि बेटी को दूसरा शादी करवा दो, जो है हम ब्याह का खर्चा और इथी देंगे, दूसरा शादी करवा देते हैं। यही गलत तो किया है जी सर, बलात्कार किया है मेरा। कौन कौन? परवीन कुमार। अच्छा, तो कितना दिन से भटक रही है, कब का मामला है, कितना दिन पहले हुआ घटना तुम्हें सर? 1 महीना। अच्छा, अभी भी भटक रहा है, लड़का कहाँ है? लड़का माँ बाप भगा दिया। थाना में मामला दर्ज हुआ है जी। क्या तो क्या उम्मीद लेकर आई है बड़ा साहब के पास? कोई इंसाफ नहीं दिया। इंसाफ चाहिए जी सर, हमको इंसाफ चाहिए। प्रीता की बड़ी बहन कहती हैं इतना ही नहीं, लड़का पक्ष द्वारा एक अधेड़ उम्र के यूपी के दुल्हा के साथ अपने गुनाह को छुपाने के लिए शादी करवा देने का प्रस्ताव भी लड़का के पक्ष द्वारा दिया गया था और फिर कहा गया था कि शादी में जो भी खर्च होगा वो लोग देने के लिए तैयार हैं। किसके लिए आप भटक रहे हैं? फोटो लेके भटक रहे हैं पूरा, हम लोग का कोई इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है, न थाने वाला न और कोई। साहब के पास आए हैं तब हमको मिला है पदकार और मीडिया साहब ने हमरे मदद कर रहा है। अच्छा, कौन जो है आपके बहन के साथ? मेरे बहन का साथ जबरदस्ती उठा के मकई खेत ले जाके इसके साथ बलात्कार किया है और लड़का ने ले जाके यूपी में बेचने के लिए भी पैसा उसा ले के और मेरा घर पे धमकी देने के लिए आ रहा है कि लड़की को शादी करवा दो, हम पैसा तैसा देते हैं, चलो यही सब धमकी मार रहा है। यूपी में बेचने वाला था? वो आया था एक दिन मेरा घर पे धमकी देने के लिए, तब हम बोले कि नहीं हम थाना में एप्लीकेशन दिए, हम लड़की की शादी नहीं करवाएंगे। उस शादी के लिए जवाब बनाया था जी। कौन गांव का मामला है? गांव सिमरतल्ला का मामला है। तो चाहते क्या है? हम लोग यही चाहते हैं कि मेरा बहन को इंसाफ मिल जाए, नहीं तो ये रोज माथा कान पटकता है बोल रहा। फिलहाल सीमापुर थाना में इस मामले को लेकर 1 महीने बीत जाने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने पर प्रीता पक्ष इंसाफ की गुहार लगाते हुए उस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रीता पक्ष की माने तो आरोपी द्वारा अब लड़की को जान से मार देने की धमकी भी दिया जा रहा है। वहीं पूरे मामले पर पुलिस की माने तो पहले ही सीमापुर थाना में मामला दर्ज कर कार्रवाई किया जा रहा है, लेकिन पुलिस और न्यायालय में दिए गए बयान में प्रीता ने आपसी रजामंदी से संबंध बनाने की बात कही है और मामला न्यायालय में है। हालांकि इसके बावजूद अगर लड़की पक्ष को धमकाया जा रहा है तो इस पर जांच कर ठोस कार्रवाई होगी। आपके लिए भटक रहे, उसका आरोप है कि अब तक आरोपी को पकड़ा नहीं गया, आरोपी उसको टॉर्चर कर रहा है, धमका रहा है। इस संबंध में लड़की के अपहरण होने संबंधी कांड जो सीमापुर ओपी में दर्ज किया गया था और उसके बाद लड़की को बरामद की गई, उनका बयान भी पुलिस के समक्ष एवं माननीय न्यायालय के द्वारा कराया गया है। इसमें उन्होंने अपने बयान में बताया है कि उन्होंने उसे प्रेम था जिस कारण भागी और उसके साथ जो संबंध बनाए हैं वो भी स्वेच्छा से बनाए हैं, परंतु मेरे यहाँ वो आया है और बोला है जो अभियुक्त है उसके द्वारा भयभीत कर दिया गया था जिसके अनुसार उन्होंने बयान दिया है। हम लोग वो अभी जो वर्तमान में बयान दे रहे हैं उसकी जाँच कर रहे हैं और लगेगा जी नहीं भयभीत के कारण बयान होगा तो हम लोग अभी उसकी विरोध कार्रवाई करेंगे।